क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा 7 फरवरी को। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस है, जो पहली बार 1999 में कब 1999 में मनाया गया था। यह दिवस यह स्वीकार करने का दिन है कि HIV किस तरह के लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इस बार की थीम जुड़े, शिक्षित करें, सशक्त बनाएं, काले समुदाय में HIV एड्स को समाप्त करने के लिए एकजुट हों। अब बात है इम्पोर्टेंट डे की, तो 1 फरवरी को मनाया गया था भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस और 7 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, उत्तराखंड। अब बात है उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, ठीक है ना। पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। अब बात है उत्तराखंड की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। टाटा स्टील ने स्लैग आधारित एग्रीगेट्स का उपयोग करके सस्टेनेबल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के साथ करार किया है। इसके मुताबिक रेलवे ट्रैक में ब्लैकटिंग परत के निर्माण से टाटा एग्रेटो और टाटा निर्माण का बड़े पैमाने में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। अब बात है तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है, रेवंत रेड्डी, और गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन, यहाँ के गवर्नर हैं। बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तेलंगाना सरकार ने द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। गद्दम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है और तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP भी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, अल सल्वाडोर, ठीक है ना। अब बात है अल सल्वाडोर की, तो ये है मैप में अल सल्वाडोर, ठीक है ना। इसकी कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर। नायब बुकले यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और करेंसी क्या है, करेंसी है यहाँ की बिटकॉइन और US डॉलर। US डॉलर और बिटकॉइन यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फारूक नाज़दी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फारूक नाज़दी का निधन हुआ है हाल में ही में, वह एक पत्रकार थे। ए ऑप्शन राइट होगा, वरिष्ठ पत्रकार,
कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाजकी को 6 फरवरी को कटरा जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, आनंद कुमार को। ये हैं आनंद कुमार जिन्होंने यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को गोल्डन वीजा देने की मंजूरी दे दी है। अब आनंद कुमार कुछ एक भारतीयों में शामिल हो गए हैं जिन्हें यूएई का वीजा मिला है। आनंद कुमार गणित के एक शिक्षक हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ONGC सी सर्वाइल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, गोवा में। अब बात है गोवा की, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी यहाँ की कैपिटल है। CM कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, पी एस श्रीधरन यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात है गोवा की, तो गोवा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार भी लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, अगरतला में। ठीक है ना, अगरतला में 6 फरवरी 2024 को उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाया है। श्री रतन लाल नाथ कैबिनेट मंत्री बिजली कृषि और किसान कल्याण और चुनाव विभाग सरकार के नेतृत्व में त्रिपुरा के उद्घाटन में 6 दिवसीय उत्सव की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है यहाँ की कैपिटल। PM कौन है यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथोनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। संयुक्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता खत्म कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, ईरान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यक को खत्म कर दिया है। अब बात है ईरान की, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या होगी, तेहरान। ईरान की प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम रैसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। और करेंसी क्या है, ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे MD तथा CEO नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, नवीन तहलियानी जिन्हें टाटा डिजिटल के MD तथा CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, जस्टिस रितु बाहरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस की यात्रा मुफ्त करने का घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली सरकार DTC बसों में ट्रांसजेंडरों की यात्रा मुफ्त करेगी। CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ट्रांसजेंडरों समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। ये योजना जल्द ही दिल्ली कैबिनेट द्वारा पारित की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, निरंजन साह के नाम पर राजकोट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साय स्टेडियम किया जाएगा। 14 फरवरी 2024 को गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साय स्टेडियम किया जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नोएडा या ऑप्शन डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को आप फॉलो कर सकते हैं तथा डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।